नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो है सिलेंडर को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें, बिहार राज्य में एक बैठक जो मंत्रिमंडल की थी वो आयोजित की गई थी। इसी मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो हुई थी, इसमें 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें बिहार के बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हुए हैं, जिनमें आपको बता दें, राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो है 18,000 से अधिक सृजित एवं रिक्त पद, वहीं माध्यमिक शिक्षक के 18,000 से सृजित एवं रिक्त पद एवं 6 से 8 तक के जो है 31,000 से अधिक जो पद को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन के लिए जो है शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18,000 से अधिक, यानी कुल मिलाकर जो है आपको बता दें, बिहार में शिक्षकों के पद थे उनका सृजन किया जाएगा। एक यहाँ पर बड़ी खबर ये आ रही है कि इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी जो है 1,15,009 आंगनबाड़ी केंद्रों पर धुआं रहित ईंधन हेतु जो है LPG की सुविधा, 2 गैस सिलेंडर एवं चूल्हा सहित LPG उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ा फैसला है, क्योंकि आपको बता दें, बिहार में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी चूल्हे पर, आज भी खाना बन रहा था। एक तरफ जो है बिहार हो या पूरा देश उज्ज्वला योजना के तहत प्रचार प्रसार चल रहा है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों की ऐसी स्थिति थी जिसके बाद ये बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं शिक्षा सेवकों के मानदेय में भी वृद्धि हुई है। शिक्षा सेवकों को प्रतिमाह 11,000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 22,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में कोई इजाफा यहाँ पर देखने को नहीं मिला इस बैठक में, लेकिन बड़ी खबर ये है कि गैस चूल्हा LPG सिलेंडर की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।